रुक लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है मिशन 2023 से जुड़ी। राजस्थान में भी बीजेपी का एमपी जैसा फॉर्मूला संभव बताया जा रहा है। एमपी की तर्ज पर बीजेपी उम्मीदवार बना सकती है, मंत्रियों और सांसदों को पार्टी टिकट दे सकती है इस वक्त की। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। अमित शाह और नड्डा का जयपुर दौरा होने वाला है। टिकट बंटवारे को लेकर आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में किन्हें टिकट दी जाएगी, इसकी भी घोषणा पार्टी की ओर से की जा सकती है। चुनाव के मद्देनजर नेताओं के साथ मैराथन बैठक की जाएगी शाम 7 बजे। यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत के लिए भी भव्य तैयारियां की गई हैं। जबरदस्त उत्साह इस वक्त कार्यकर्ताओं में और सभी की धुकधुकी इस वक्त बढ़ी हुई है। जो लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, अब देखना है कि कौन सा फॉर्मूला तय किया जाता है टिकट बंटवारे को लेकर। हालांकि सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि एमपी में जिस फॉर्मूले पर, जिस तर्ज पर टिकट का बंटवारा किया गया है, ठीक वही फॉर्मूला राजस्थान में भी यूज किया जा सकता है। उसी फॉर्मूले पर राजस्थान में भी टिकट का बंटवारा किया जा सकता है, मंत्रियों और सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। जो दिग्गज नेता हैं, जो जाने माने हस्ती हैं, जो चर्चाओं में रहते हैं, उन्हें पार्टी की ओर से टिकट दिया जा सकता है। अब ये फॉर्मूला चुनाव में कितना कामगर साबित होगा, क्या इससे बीजेपी की सत्ता में वापसी हो पाएगी और क्या एमपी वाला फॉर्मूला, वही वाला जो तर्ज दिया गया टिकट बंटवारे को लेकर, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी टिकट बंटवारा किया जाता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि आज टिकट वितरण को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है बीजेपी के लिए। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी लगातार टिकट बंटवारे को लेकर मंथन किया जा रहा है। अलग अलग पर्यवेक्षक भी बनाए गए जो अलग अलग जगहों पर पहुंचे, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई और वहां पर भी टिकट बंटवारे को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का अपना फॉर्मूला है, कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा, जो जिताऊ चेहरे हैं उन्हीं पर पार्टी भरोसा करेगी। लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला थोड़ा अलग है, बीजेपी दिग्गज नेताओं को टिकट देगी। जहां एक और कांग्रेस का दावा है कि वहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा किसी तरीके का, कोई वहां पर अगर जाना माना चेहरा भी है तो उसे भी ऐसा हो सकता है कि टिकट ना दे। जो लोग मेहनत करेंगे, जो लोग ज्यादा जमीन पर दिखाई देंगे, उन्हें पार्टी टिकट देगी। और बीजेपी का फॉर्मूला है कि जो दिग्गज नेता हैं, जो जानी मानी हस्तियां हैं, उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट दिया जा सकता है। और लखवीर सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, एमपी का फॉर्मूला क्या राजस्थान में अपनाया जाना है? जी देखिए, विश्व सूत्रों के हवाले से प्रियंका, ये बहुत बड़ी खबर है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तर्ज पर टिकट वितरण में ये फॉर्मूला लागू कर सकती है कि सांसदों और केंद्रीय स्तर के नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि तमाम तरीके की स्थितियों और परिस्थितियों को समझना होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में परिवर्तन क्या है। देखिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, बल्कि मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता में है। और मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला इसलिए लागू किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में पार्टी सत्ता में होने के साथ साथ एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है। ऐसे में केंद्रीय स्तर के नेताओं को और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारना जरूरी बन गया था। हालांकि राजस्थान में ऐसा नहीं है, राजस्थान में भले ही पार्टी विपक्ष में हो लेकिन सर्वेस के आधार पर पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है और चुनाव में रिपीट होना चाह रही है, चुनाव में परिवर्तन लाना चाह रही है। और ये नजर भी आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। हालांकि गुटबाजी अभी सड़कों पर नजर नहीं आई हो, लेकिन भीतर खाते भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद की होड़ ज्यादा है, दौड़ लंबी है, इसलिए गुटबाजी भी ज्यादा है। ऐसे में पार्टी चाहती है कि चुनाव में सामूहिक नेतृत्व नजर आए, किसी प्रकार की गुटबाजी ना हो और एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में पार्टी चाहती है कि जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश में लागू किया गया वो
राजस्थान में भी किया जाए, कुछ सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, कुछ केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि बड़े लड़ैया जब चुनावी मैदान में उतरे तो एकजुटता दिखाई जा सके और किसी प्रकार की बिखरावट की खबरें नहीं नजर आए, बगावत नहीं नजर आए। हालांकि ठीक है, हमारे साथ एक खबर ये भी है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी सूचना निकल कर सामने आ रही कि एमपी के तर्ज पर जैसे वहां पर दिग्गज नेताओं को टिकट दिए गए हैं, ठीक उसी तर्ज पर वही फॉर्मूला राजस्थान में भी अपनाया जा सकता है। क्या लगता है आपको, क्योंकि दोनों जगहों पर हालात अलग हैं, वहां पर बीजेपी सत्ता में है, यहां पर सत्ता की वापसी के लिए संघर्ष किया जा रहा है, क्या लग रहा है ये फॉर्मूला कामगर साबित होगा आगामी चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 राजस्थान ने इसके संकेत जो है वो पहले ही जो दे दिए थे, क्योंकि बीजेपी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है राजस्थान में। जिस प्रकार के हालात है उस बीच सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाने के पीछे बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है कि जहां पर भी सांसद जो है वो चुनाव लड़ेंगे उस ना सिर्फ वो सीट बल्कि उसके आसपास की सीटों को भी किस प्रकार से जो है वो प्रभावित किया जा सके। यानी अगर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर या उसके आसपास की किसी सीट से चुनाव लड़ते हैं तो उसके आसपास की कई सीटों पर उनका प्रभाव इस लिहाज से बढ़ जाएगा क्योंकि वहां के जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं या फिर आम लोग हैं उनके अंदर ये मैसेज संभवतः जाए कि संभवतः आने वाले दिनों में गजेंद्र सिंह जो है वो सीएम बन सकते हैं। हाँ। इसके अलावा जो दूसरे नाम है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम जो है वो जोरों शोरों पर चल रहा है कि बीकानेर की किसी सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो बीकानेर संभाग इसके जरिए कवर किया जा सकता है। सीपी जोशी का भी नाम चल रहा है, नरेंद्र खीचड़ का भी नाम चल रहा है, 5 से 7 ऐसे सांसद हैं जिनके नाम जो है वो चल रहे हैं। लेकिन आज जो बैठक होगी, जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे तो इन तमाम चीजों पर ना सिर्फ चर्चा होगी बल्कि तय किया जाएगा कि बीजेपी किस प्रकार से जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन ये पूरी संभावना है कि सांसदों को जो है वो चुनाव लड़ाया जाए। अब कितनी संख्या में, हालांकि कुछ सांसदों ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है, उनका कहना है कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो करेंगे, लेकिन उनकी जो उम्मीद है या कह सकते हैं वो चाहते हैं कि वो सांसद का ही लड़े। लेकिन अंदर खाने ये चर्चा चल रही है कि 5 से 7 सांसदों को बीजेपी टिकट दे सकती है, इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम जो है वो जोरों शोरों से चल रहा है, अर्जुन राम मेघवाल का नाम चल रहा है, सीपी जोशी का भी बताया जा रहा है कि बेगू या किसी अन्य सीट से जो है वो भी चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कल प्रहलाद जोशी ने संकेत दिए थे कि ये जब तमाम चीजें सांसदों को चुनाव लड़ाया जाए नहीं लड़ाया जाए ये बात जो है वो पार्टी की बैठक में जो है वो तय होगी, यानी आज जो है वो बैठक होने जा रही है, दोनों ही बड़े नेता जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी को इसका किस प्रकार से फायदा जो है वो मिल सकता है। सिर्फ एक सीट जीतना कह सकते हैं कि बीजेपी की कोशिश नहीं है। हाँ। लेकिन जहां से भी इन सांसदों को लड़ाया जाए, बताया जा रहा है कि ये भी हो सकता है कि पार्टी उन सीटों से इन सांसदों को चुनाव लड़ा सकती है जहां पर बीजेपी की स्थिति कमजोर है, ताकि ना सिर्फ वो सीट जीते बल्कि आसपास की 4 से 5 सीटें जो है वो बिल्कुल, यानी कि जहां पर स्थिति ठीक नहीं है बीजेपी की वहां पर सांसदों को खड़ा किया जा सकता है, और कुछ केंद्रीय नेतृत्व जिन्हें टिकट देने की बात भी सामने आ रही है। जैसा कि आप बता रहे थे सौरभ कि कुछ सांसद नहीं चाहते हैं, लखवीर क्या आपको लग रहा है कि जो सांसद नहीं चाहते हैं कि विधायकी का टिकट मिले वो संतुष्ट होंगे इससे, या संतोष की स्थिति भी देखने को मिल सकती है इसके बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विचार में इस प्रकार का तो कोई स्थान ही नहीं है कि खुद की पेशकश की जाए। जो पार्टी नेतृत्व का इशारा होगा, संदेश होगा, उसको मानना होगा, ये तय है। हालांकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस बात को और इस विचार को मानते भी हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है उसी दिशा में उनको आगे बढ़ना होता है। हालांकि किसी व्यक्ति का टिकट काटकर उसको संदेश दिया जाए कि आपको पार्टी के संगठन के लिए काम करना है तो संभवतः वो व्यक्ति उसी पर काम करेगा। हालांकि कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है तो पार्टी से बगावत भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की तस्वीर कम देखने को मिलती है। लेकिन ये जो बात सामने आई है कि केंद्रीय स्तर के नेताओं को और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी प्रयोग ये कर रही है कि करीब आधा दर्जन
ऐसे सांसद होंगे जिनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। हालांकि जो केंद्रीय मंत्रियों की बात है, ऐसा संभव नहीं कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। ये भी हो सकता है कि जब तमाम प्रदेश के बड़े लड़ैया चुनाव विधानसभा का लड़ेंगे तो कुछ केंद्रीय मंत्रियों को कैंपेन की जिम्मेदारी भी दी जाए, क्योंकि पूरे प्रदेश को साधना होगा। अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचते हैं, बैठकें करते हैं, तो किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला तय किया जाता है टिकट बंटवारे को लेकर, आप दोनों सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जयपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर सांसद रामचरण बोहरा ने उनकी अगवानी की, भव्य स्वागत किया गया। उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जयपुर जिले के प्रभारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी उनका स्वागत अभिनंदन करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। हेरिटेज विधानसभा सीटों के पदाधिकारियों की वो खास बैठक लेंगे। शाम को बीजेपी प्रदेश कार्यालय आने का